गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अब मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ 5 का 5, 20 जुलाई का। तो क्या आप तैयार हैं 20 जुलाई का 5 का 5 करने के लिए? अगर आप तैयार हैं सर तो इसे पर थम्स अप कर दीजिएगा, बिकॉज मैं आपके साथ 5 का 5 करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस, वेर एग्जामफोबिया एंड्स। जी हाँ, एग्जामफोबिया का अंत होता है यहाँ पर। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। 5 का 5 करना है 20 तारीख का। Top 5+ न्यूज करनी है, उसके MCQs भी लगाएंगे हम लोग, इसी क्लास में लगाने हैं। तो जल्दी से आओ, फटाफट शुरू करते हैं। देखो भाई, पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज अपनी एस्पिरेंट्स यहाँ पर, फाइट अगेंस्ट COVID-19, इंडिया केस फैटलिटी रेट फॉल्स बिलो 2.5% फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है हम लोगों को कि 2019 में जो COVID-19 अपना आया था, यानी COVID-19 जो है के खिलाफ जो लड़ाई है, भारत की जो केस है, ये भारत के किसी कह सकते, जो भारत के केस है, जो भारत के केस की जो मृत्यु संख्या है, आई थिंक मैंने सही लिखा था, ये आपका सही लिखा है, इट हैज टू बी लाइक, भारत की जो केस मृत्यु संख्या है वो पहली बार 2.5% के नीचे गई है। तो सर इसका मतलब क्या है कि भारत में जो फैटलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है, आप ये कह सकते हो वो 2.5% से कम गया है। अब ये सर कैसे कैलकुलेट होता है, स्कूलों को भी आगे देखेंगे। अभी कितना करेंटली हो गया है सर? एस्पिरेंट्स ये हो गया है 2.49%। याद रखिएगा, ये अपना बेटा बदलता रहता है और ये दुनिया में काफी लोएस्ट नंबर पर है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। जरा समझिए कि केस फर्टिलिटी रेट होता क्या है। अगर आप सब एक डेफिनेशन की बात करूं तो CFR बोलते हैं केस फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब यहाँ पर होता है CFR is the calculated by dividing total number of death, total number of death, total number of death upon from a disease by the number of confirmed cases upon number of confirmed cases। मतलब दो बात आपसे कही जा रही है, एक है केस फर्टिलिटी रेट का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ अपॉन नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सर 10 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई और सब 100 केस कंफर्म थे, सर ये कितना हो गया? सर आपका हो गया ये, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1/10, 10% आपका CFR रेट निकल कर आएगा। तो ऐसे ही भारत का जो CFR रेट है मेरे भाई, वो सबसे कम है, दैट इज 2.49%। अब जरा समझिएगा कि अगर देखते हैं यहाँ पर जो एज वाइज होता है भाई, एज वाइज अगर देखोगे तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका रेट जो है जहाँ पर डेथ हो सकती है, यानी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी अब देखोगे तो 0 to 9 में 0% है, 10 to 90 में बढ़ा, 20 to 29 थोड़ा और है, लेकिन अगर वहीं देखते हो 80+ में सर बहुत ज़्यादा आपका हाइएस्ट है, अलग अलग कंट्रीज का ये है। तो एक हमको रफ आइडिया लगा कि जितनी ज़्यादा एज होती है उतना COVID-19 में खत्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। और सिर्फ एज की सर देखो बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है अगर सर आपको और कोई बीमारी है, इस बात करें कि आपको एक आइडिया दे देगा, अगर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, यानी कि अगर कोई हार्ट की बीमारी है, तो 10.5% तक यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जा सकता है, यानी कि हर 100 में 10 मरीज की डेथ हो सकती है। हालांकि ये जो आपको मैं रेट बता रहा हूँ, ये वाले रेट सर, ये जो आपका रेट है सर, ये आपके चाइना के हैं फरवरी के महीने के, तो अब ये बदल चुके हैं। लेकिन आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि अगर किसी को बीमारी है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कैंसर है, तो सर उनको कितना ज्यादा रिस्क है बनस्पति उस आदमी की जिसकी कोई भी हेल्थ कंडीशन खराब नहीं है। सर वहां पर देखिए सिर्फ 0.9% है, अगर हेल्थ कंडीशन खराब नहीं है तो चांसेस है कि आप सही हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बीमारी लगी है तब थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है। तो कोशिश करना है जिनकी बीमारी है वो घर के अंदर रहेंगे, और जिनको बीमारी नहीं है वो घर के बाहर नहीं डालेंगे, वो अपने आप को और स्वस्थ रखेंगे, जिससे कि हम सबको यहाँ पर कहते हैं ना कि बचा पाए। तो ये आपकी पहली न्यूज है कि हमारा जो CFR है वो कितना परसेंट हो गया है, वो हो गया है 2.49%। ये पहली बार हुआ है 2.5% से कम। देखो इससे अपनी अगली न्यूज क्या है। अच्छा, अगली न्यूज से पहले देखो आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, हु इज इंडिया, हु इज इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ ऑफ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि सर आप बेसिकली मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्टर होना चाहिए। इंडिया में मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? वो डॉक्टर हर्षवर्धन है, अश्विनी सिंह चौबे हैं, धोत्रे सिंह शामरो हैं, या कृष्ण पाल हैं? सर देखो इसका सही आंसर है अश्विनी सिंह चौबे साहब। जी हाँ,
अश्विनी सिंह चौबे साहब जो हैं वो छोटे मंत्री हैं, आपको हम लोग कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो हमारे मंत्री हैं वो हैं आपके छोटे मंत्री कह लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कह लीजिए, वो है अश्विनी सिंह चौबे, और मेन मंत्री कौन है डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, ठीक है। अच्छा ये क्या है सर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर 25 लाख का इंश्योरेंस कवर अप्रूव्ड फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज, जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर लेकर आया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जिसके हेड कौन है सर, गिरीश मुर्मू साहब, इसमें LG बने हुए हैं, ये QT बन चुका है, तो वहाँ पर एक प्रस्ताव पास होता है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू टेरर रिलेटेड इंसिडेंट सर, उन्हें 25 लाख रुपए दिए जाएंगे एज ए इंश्योरेंस, उसका प्रस्ताव सब लिखा भी है। दिस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल इलेक्टेड मेंबर्स, जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि पहुंचेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हों या अर्बन लोकल बॉडीज के हों, अगर किसी टेरर रिलेटेड गतिविधि के चलते उनकी डेथ हो जाती है तो 25 लाख का उनको इंश्योरेंस दिया गया, जो कि अच्छी बात है। अच्छा आपको पता है अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को सर UT बनाया गया था। अब UT बनने के बाद सर वहाँ पर आपका एक चीज़ निकल आती है, जम्मू कश्मीर का निवासी कैसे आप डिक्लेयर करोगे, कैसे उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाओगे, यहाँ पर देखो चार बातें बताई गई हैं, मैं आपको बताता हूँ एकदम इनको शॉर्ट में। देखो यहाँ पर आपकी बात क्या बताई गई है, यहाँ की बात बताई गई है कि भाई 15 साल आप लगातार या तो वहाँ पर रहे हों या फिर आपने 5-7 साल वहाँ पर बिताए हों और 10वीं या 12वीं का पेपर दिया हो, ये शायद सबको पता है बात कि 15 साल या तो वहाँ पर रहे हों या फिर 7 साल वहाँ पर रहे हों और 10वीं या 12वीं का आपने पेपर वहाँ पर दिया हो तो वहाँ के डोमिसाइल आप बन सकते हैं। अगला क्या है, उनके बच्चे जो चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स ऑफ PSU एंड ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उन लोगों के बच्चे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो या फिर जिनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर जो हैं या फिर ऑफिशियल्स ऑफ PSU और ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इनमें से किसी के भी अगर बच्चे हैं तो भाई यहाँ पर आपका उनको भी अधिकार है डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाने का, बशर्ते who have served जम्मू कश्मीर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, यानी कुल मिलाकर अगर उन्होंने 10 साल जम्मू कश्मीर में बिताए हैं तो उनके बच्चे वहाँ के नागरिक बन सकते हैं, ना कि डोमेस्टिक, वहाँ के नागरिक नहीं वहाँ के निवासी बन सकते हैं। द राइट वर्ड हैज़ टू बी निवासी, डोमेसाइल बोला गया ना। अच्छा देखो जितने भी माइग्रेंट्स हैं, जितने भी हमारे बेसिकली जो माइग्रेंट्स हैं जो कहीं और से आए हैं और उनके चिल्ड्रन हु आर रजिस्टर्ड विद द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर, तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के पास जितने लोगों का डेटा मेंटेन्ड है जो है, माइग्रेंट्स भी हैं बच्चे भी हैं, उनको भी डोमिसाइल बनने का अधिकार है, मसीह निवासी बनने का अधिकार है, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देखो अगली न्यूज़ क्या है, बस अगला पॉइंट क्या है, चिल्ड्रन ऑफ दोज रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हु रिसाइड आउटसाइड द UT इन कनेक्शन विद देयर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बिजनेस और अदर प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजंस, कुल मिलाकर वो लोग जो यहाँ से बाहर रहते हैं किसी, चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, उनको भी डोमेसल सर्टिफिकेट पाने का अधिकार है। तो इसलिए आपको मैंने बताया यहाँ पे चार बातें, सर चार बातें कौन कौन सी हैं, पर कैप्चुलेट कर लेते हैं, 15 साल से वहाँ पर रह रहे हैं या फिर 7 साल से रह रहे हैं, 10वीं या 12वीं का पेपर आपने दिया तो वहाँ के आप निवासी बन सकते हैं, या फिर अगर आपके पिताजी यानी आपके पिताजी जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं या ऑफिसर ऑफ ऑफिशियल ऑफ PSU हैं या कोई और ऑटोनोमस बॉडी के आकर कहते हैं यहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पे कहते हैं ऑफिसर हैं, तो फिर आप भी अगर उन्होंने 10 साल यहाँ पे सेवा करी है इस एरिया में तो आप भी यहाँ के क्या बन जाएंगे, डोमिसाइल बन सकते हैं। या फिर माइग्रेंट्स और चिल्ड्रन जो रजिस्टर्ड हो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के अंतर्गत तो वो भी यहाँ के क्या बन सकते हैं, निवासी बन सकते हैं। या फिर चौथी बात जो निकल कर आती है कि अगर आप यहाँ पर रहते थे लेकिन चिल्ड्रन ऑफ दोज रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हु रिसाइड आउटसाइड UT, यानी कि पिताजी तो यहाँ रहते हैं लेकिन बेटा या बेटी कोई बाहर चला गया पढ़ाई करने के लिए या नौकरी के पर्पज से, तो उस सिचुएशन में कि आप भी यहाँ के निवासी बन सकते हैं। भाई यहाँ पर ये मतलब वो बेटा बेटी यहाँ का निवासी बन सकता जो बाहर चला गया है। बेसिकली यहाँ पर चार बातें आते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। लेट्स सी आपको क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन का बन सकता है कि भाई किस तारीख को जम्मू और कश्मीर को बनाया गया था एक UT, वो क्या 31 जुलाई थी, 31 अक्टूबर थी या 31 दिसंबर थी या फिर 1 जनवरी थी। देखो आंसर सबको पता है
सर 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, जम्मू कश्मीर को यूटी और सर लद्दाख को एक यूटी। चलिए अपने को आपकी अगली न्यूज आती है रेलवे जुड़ी हुई। रेलवे मिनिस्टर हैज सेड दैट द प्राइवेट ट्रेन्स आर स्लेटेड टू रन फ्रॉम मार्च 2023। सर ये तो सर न्यूज पुरानी है, पहले हमको पता चुके हो आप, लेकिन समझो यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोग हैं जो ऐसा बता रहे थे कि सर प्राइवेट ट्रेन चलेंगी 2024 से, तो लेकिन सर रेलवे ने सब खंडन करा। रेलवे ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हम मार्च 2023 से चलाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। और प्लान क्या है कि मार्च 2021 से 21 तक बेसिकली हम टेंडर वगैरह पास करवा देंगे और 2 साल के अंदर हम ट्रेन को यहाँ पर काम करवाना चाहते हैं, उसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखो कई सारे लोगों को यहाँ पे डाउट है कि सर क्या रेलवे का प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है, क्या रेलवे पूरी प्राइवेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखो सरकार ने आकर कुछ डाउट सब क्लियर कर रहे हैं, उन्होंने बताया है कि क्यों जरूरी है, व्हाट इज द नीड। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग ट्रेन। इससे क्या होगा सर, डिमांड जो बढ़ी हुई है और जो क्वालिटी सर्विस है उनको बेसिकली हम दे पाएंगे, डिमांड जो बढ़ी है उसको पूरा कर पाएंगे, तो सर्विस में क्वालिटी देनी है वो दे पाएंगे अगर प्राइवेट ट्रेन को लेकर आते हैं। ये इनका एक तर्क आया है 2019 में 8.4 बिलियन पैसेंजर ने ट्रैवल करा था ट्रेन्स में, और 2030 आते आते भाई ये हो जाएगा 30 बिलियन। तो सर ट्रेन्स तो बढ़ानी पड़ेंगी ना, और भारत सरकार अब ट्रेन चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां आकर बढ़ाएं, जिससे कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जिससे कि जॉब्स क्रिएशन बढ़ेगा। तो इंडियन रेलवे का अगर कहा जाए तो देखो नेटवर्क कितना है, नेटवर्क है भाई 68,000 रूट किलोमीटर का इसका नेटवर्क है। इन द ईयर 2018-19 जो रिजर्व पैसेंजर थे वो सिर्फ 16% थे मेरे भाई, इसका टोटल 3.65 बिलियन पैसेंजर्स का, और ऑलमोस्ट 8.85 करोड़ ऑफ वेट लिस्टेड पैसेंजर्स, इनको तो हम सीट दे ही नहीं पाए क्योंकि सर ये वेट लिस्ट में ही रह गए, सीटें सारी भर गई। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, 2030 तक ये और ज़्यादा होने की संभावना है, और अब यहाँ पर हमारे पास ट्रेनें कम पड़ जाएंगी तो हमको प्राइवेट ट्रेन को बढ़ाना है, ठीक है, ये इनका लॉजिक दिया गया है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आपके जो पीयूष गोयल साहब हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की, तो उसका सिंपल आंसर हो जाता है राज्यसभा मेंबर है भाई, कहाँ से, महाराष्ट्र से। जी हाँ राज्यसभा मेंबर है मेरे पीयूष गोयल साहब, महाराष्ट्र से, चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, और इनके पास 2 मंत्रालय हैं, एक मंत्रालय है इनके पास, हम लोग कहते हैं रेलवे मिनिस्ट्री, और इनके पास एक और मंत्रालय है सर, वो है आपका कहते हैं कॉमर्स इंडस्ट्री, वो है मेरे भाई कॉमर्स इंडस्ट्री। एम आई क्लियर, अगर सर मेरी बात आपको समझ में आ रही है और आपको सेशन थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग या अच्छा लग रहा है तो डू शेयर एंड लाइक द सेशन, अपने दोस्तों को उनको बताइए सर सुबह 6:30 बजे आपके लिए कुछ फैंटास्टिक टॉप 5 न्यूज आती है, उसको जरूर 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 देखे। चलिए सर जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर आपके लिए सर अगली न्यूज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। देखो आपका 19 तारीख को यानी कि हाँ जो कल बीत चुका है उस तारीख को 19 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, सर फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे जी की, और इनके देखो इनके नाम पर भारत सरकार ने एक पोस्टेज स्टैम्प भी जारी करा था भारत सरकार ने, पुराना है आज नहीं करा, पहले कर चुकी है, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की 19 जुलाई को जयंती थी यानी कि उनकी बर्थडे थी। अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात क्या आपकी, सर मंगल पांडे कौन थे, अरे भाई मंगल पांडे वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति की शुरुआत करी थी। क्वेश्चन याद रखिएगा, दो बनते हैं हमेशा, कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने करी, तो मंगल पांडे ने करी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई, तो मेरठ से हुई, इसको याद रखिएगा। और अगर बात करें मंगल पांडे सर एक सिपाही थे जो कि 34वीं बंगाल इन्फेंट्री का पार्ट थे, और ये सर आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री का पार्ट थे हमारे मंगल पांडे साहब। इन्होंने सर कहा कि नहीं अब मैं वो जो नई बंदूकें आई हैं उनमें जो कारतूस छीमू से छील के भरना होता है मैं छील के नहीं भरूंगा, और इन्होंने विरोध करा 29 मार्च को, और बहुत दिन देखो नहीं लगे 8 अप्रैल को ही, जी हाँ उधर मार्च चल रहा है इधर अप्रैल में, 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। कहाँ पर, बैरकपुर में वेस्ट बंगाल में। सर ये बेसिकली आपका है क्या बेटा, ये आपका पूरा है इतिहास, अगर आपको इतिहास पढ़ना है एस्पिरेंट्स तो रोज शाम को मैं पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर 4:30 बजे इतिहास, जरूर से आया करिए, आपको लिंक बेसिकली मिल जाएगा टेलीग्राम अगर वहाँ ज्वाइन कर लेंगे आप,
तो टेलीग्राम का देखो यहाँ पे नाम है जामोपीडिया प्लस, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है फटाफट ज्वाइन कर लेना, आपको 4:30 की क्लास का लिंक इसी पे दे दूंगा मैं, ठीक है। चलो भाई देखो आपकी फिफ्थ न्यूज क्या है कि इंडिया बिजनेस काउंसिल टू होस्ट 2020 इंडिया आइडिया समिट। तो इंडिया बिजनेस काउंसिल है वो होस्ट करने वाला है 2020 का इंडिया आइडिया समिट, जो कि 21 और 22 जुलाई चलेगा, जो कि 21 और 22 जुलाई चलने वाला है। अब देखो यहाँ पे देखो सर ये सबमिट क्यों हो रहा है मेरे भाई, ये सबमिट हो रहा है यहाँ पे समझो बहुत ध्यान से, भारत और अमेरिका की जो साझेदारी है उसके पर चर्चा करने के लिए। तो इंडिया और अमेरिका की जो गठबंधन साझेदारी है पार्टनरशिप है उस पर चर्चा करने के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे देखो जो फोकस है वो बेसिकली क्या है कि शेपिंग ग्लोबलाइजेशन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क इन द कोविड एरा एंड बियॉन्ड, यानी कि कैसे आने वाले टाइम में ट्रेड करना है इन्वेस्टमेंट करना है, कोविड खत्म होने के बाद भी सर कैसे काम करना है, इन सब पे चर्चा करने के लिए 21-22 तारीख को हमने इंडिया बेसिकली बात करेंगे यहाँ पर सर। इंडिया बिजनेस काउंसिल ने इंडिया आइडिया समिट की यहाँ पर शुरुआत करी है, इसकी घोषणा करी है। अच्छा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हमारी तरफ से जाकर कहते बोलेंगे, और सर यूएस से सर जो बोलेंगे सर वो होंगे इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो। तो सर माइक पोम्पियो और नरेंद्र मोदी साहब ये दो लोग बेसिकली यहाँ पर अपना क्या करेंगे एड्रेस करेंगे, कीनोट एड्रेस ये दोनों लोग करने वाले हैं। तो सर सवाल क्या बनेगा इससे, सवाल बहुत सिंपल है, हु इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है यूएस इंडिया बिजनेस समिट 2020। तो सर देखिए आंसर क्या है, इसका आंसर है यूएस इंडिया, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। जी हाँ, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहा है यूएस इंडिया बिजनेस समिट। सिंपल है, बस यहाँ पर सर काउंसिल आ गया है, यहाँ समिट है तो काउंसिल ऑर्गेनाइज कर रहा है समिट, आपको इतना याद रखना है। अच्छा कुछ देखो आपके लिए एडिशनल बातें बता रहा हूँ कि आपका यूएस इंडिया बिजनेस समिट जो है उसके प्रेसिडेंट कौन है, उसके प्रेसिडेंट है यहाँ बेसिकली निशा बिस्वल, उसकी प्रेसिडेंट है निशा बिस्वल। फोकस रहने वाला है इस पूरी मीटिंग का बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, और ये सर 45th एनिवर्सरी है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चलते चलते आपको एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ मेरे भाई होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर से करिएगा, और इसके मुझे जवाब कहाँ देंगे, इसके मुझे आप जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट इंडियन रेलवे ब्रिज, तो इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज कौन सा है, कौन सा है, बेसिकली उसका नाम है यहाँ पर अंजी खाट ब्रिज, अंजी खाट ब्रिज, ये कौन से स्टेट में है, जो इंडिया का पहला केबल स्टेट जो रेलवे ब्रिज है उसका नाम है अंजी खाट ब्रिज, ये कौन से स्टेट में है, आपको मुझे बस ये बताना है, और यही आपका होमवर्क है। सर ये था अपना 5 का 5, आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अभी फटाफट फटाफट आप सब लोग आ जाओ 7 बजे मेरी क्लास है अनअकैडमी पे। लिंक कहाँ मिलेगा भाई, लिंक आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नाम है जामोपीडिया प्लस, लिंक आपको भेज दिया गया है, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो, क्लास को ज्वाइन करो, और अभी तक अगर मुझे फॉलो नहीं करा ना अकेडमी पे तो डू फॉलो मी, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, फॉलो कर तो फायदा क्या होता है भाई, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरी क्लास का 15 से 20 मिनट पहले, जिससे कि आप क्लास में एंट्री कर लो टाइमली, आपको छूटे नहीं, अगर आपको लगता है मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ तो मैंने अकेडमी मेरे को आप डेडिकेशन दे सकते हो, वो आप चाहो तो आप मेरे को दो, चाहो तो ना दो, वो आपके ऊपर है, लेकिन दे दो तो मुझे अच्छा लगता है। और सर ये क्या है आपका कोड है ड्रीम टू राइज, इसको इस्तेमाल करोगे तो भाई आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पैकेज पर। मेरे क्लासेस को अनअकैडमी पर जो चलाते हैं उसको शेयर करोगे आपको कॉइन्स मिलेंगे। अब सर कॉइन्स से और इस कोड से डिस्काउंट कैसे अवेल करना है वो जानने के लिए जो क्या करोगे, टेलीग्राम करो जल्दी से जामोपीडिया प्लस के ऊपर, मुझे आपके कमेंट्स का आपके टेलीग्राम का इंतजार रहेगा। सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।